वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम जट पट ईद स्पेशल में रबड़ी भरी सेवइयों की कटोरियां बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखे हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम। और यहाँ देखे हमारे पास दो पैकेट सेवइयों के हैं, 150 ग्राम्स ईच। तो ये इस तरह से मैंने एक को हाथों से तोड़ दिया है और आपको बताने के लिए दूसरी रखी है कि जब बोल में लेके जब तोड़ते हैं पूरा मैस होता है, इसी में तोड़ दें तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो अब इसे काटते हैं और पैन में डाल देते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी भी कर लेंगे। और इसको भी डाल देंगे अपने पैन में। और अब इसे रोस्ट करेंगे। वैसे तो रोस्टेड ही सेवइयां हैं, लेकिन इसको और रोस्ट करेंगे तो इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, खुशबू बड़ी शानदार सी आने लगेगी। ये वो ही रेगुलर सेवइयां जो ईद पे बनती है ना, इसको जब इररेगुलर वे में बनाएंगे तो सब हैरान हो जाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा कि आपने कुछ नया क्रिएट किया। वैसे तो दो पैकेट सेवइयों के बन ही जाते हैं ईजीली, चाहे शीर खुरमा हो चाहे कि मामी सेवइयां हो। सारी चीज़ें मैंने बनाई है, अगर इनकेस आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दूंगी, आप देखिएगा। बहुत वैरायटीज़ है, आपको जो दिल चाहे वो आप बनाएं, लेकिन डेफिनेटली सेवइयों बगैर ईद तो कंप्लीट है ही नहीं, बनाना तो बनता है। सेवइयों को छोड़कर चले नहीं जाएंगे, अगर चले जाएंगे तो क्या है, डिसकलर्ड हो जाएगी, नीचे से डार्क हो जाएगी, जल जाएगी, ऊपर से लाइट होगी। तो ये 3-4 मिनट हमें इन्वेस्ट करना है हिलाते हुए। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए हैं, तब इसमें हम डालेंगे बटर या घी। तो मेरे पास यहाँ है कोकोनट ऑयल, तो ये भी जम जाता है ना, तो बेसिकली आपको या बटर या घी डालना है, ऑयल नहीं डालना है। तो ये है 2 टेबल स्पून। अब इसके साथ रोस्ट करेंगे अराउंड 1.5-2 मिनट। देखिए ये 1.5 मिनट के आसपास हो गए हैं, तब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। 2 टेबल स्पून कोकोनट बुरादा, अगर डालना चाहे तो डाल दें, ना डालना चाहे तो स्किप कर दें। और इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिल गए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे। तो ये टेबलस्पून मेरा रखा हुआ है, इस तरह से डालेंगे यूं करके फैला के। 2 अभी डालेंगे, हिला लेंगे, फिर 2 और डालेंगे। हमें इसे थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, लेकिन बहुत पका वका के सॉफ्ट नहीं कर देनी है। चले 2 और डाल देते हैं। और अच्छे से मिला लेते हैं। अब फ्लेम जो है लो कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो यहाँ देखिए मेरे पास 3/4 कप कंडेंस मिल्क है, ये डाल देंगे। और अगर आपने मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आपको बनाना हो तो बनाए, बड़ा इजी है, अदरवाइज रेडीमेड ले लें। और अब इनको अच्छे से मिला लें। चले अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद और 1 मिनट तक हिलाना है। और अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे।
छोटा बोल लेंगे ताकि टुगेदर रहे और चिपकी चिपकी रहे, गरम भी रहे, क्योंकि ये काम हमें गरम में ही करना है। और आप किसी भी किस्म का कोई भी मोल्ड ले लेंगे, अगर आपके पास सिलिकॉन का इस तरह का मोल्ड है, गुड, नहीं है कोई मसला नहीं है। शीशे की प्यालियाँ ले लें, स्टील की प्यालियाँ ले लें, कोई भी छोटी मोटी प्यालियाँ ले लें। सेरान रैप लगाना हो तो लगाएं, अदरवाइज एक और ऑप्शन है कि थोड़ा सा इसको पहले से ही घी वी लगा के रेडी कर लें। और अब मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। ये बड़ा सा एक स्पून लेंगे, इसमें डालेंगे और आसपास यूं फैला देंगे, दबाते जाएंगे और फैलाते जाएंगे इस तरह से। अगर आपको हाथ से ठीक लगता है हाथ से कर लें, और अगर प्यालियों में चाहें तो फिर प्यालियों में डाल दें इस तरह से। लेकिन बहुत ठंडा होगा तो ये नहीं बनेगा, इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी करना होगा आपको। और इसको यूं करके दबाया, प्रेस करते जाएं, क्योंकि कंडेंस मिल्क और घी दोनों है ना इसमें, तो वो टाइट सा हो जाएगा। जो शेप आप देंगे वो एंड में आपको मिलेगा। तो देखा कितना इजी। तो बस इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे फॉर 15-20 मिनट्स। देखिए 5-10 मिनट हो गए हैं, तब हम इसकी रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। वेरी सिंपल, यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध रेगुलर, और अब हम डालेंगे 1 कप इवेपोरेटेड मिल्क, यानी रिड्यूस किया हुआ मिल्क है, तो ये 1 कप डाल देते हैं। और अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है इवेपोरेटेड मिल्क की, तो मैं इसका लिंक क्या देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, ये कोटर है, 2 दफ़ा डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून शक्कर, बहुत मीठा नहीं करेंगे, इसकी वजह है कि हमारी सेवैयों की जो कटोरी है वो भी मीठी ही है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, अगर ना हो तो अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे मलाई, तो मलाई तो मेरे पास होती नहीं है, तो मैं मलाई की जगह हमेशा डालती हूँ ये टेबल क्रीम। अगर आपके घर पे मलाई है तब 1/2 कप डाल दें, बड़े मज़े का हो जाएगा, और मैं ये 1/2 कप डाल देती हूँ। और अगर आप दिल चाहे तो थोड़ा सा एक चुटकी ज़ाफ़रान डाल दें, और इनको हम मिला लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा विस्क कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नस्टार्च डाला है ना तो इसको डिसॉल्व करना है हमें। जब ये अच्छे से मिल जाए तब इसको हम चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम रखी है हमने मीडियम, और इसको हम चलाते हुए पका लेंगे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर इस वक्त ना हो तब आप इसमें कोई भी कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च चूँकि हमने डाल दिया है इसलिए हम इसे हिलाते हुए ही पकाएंगे। ये आसपास से देखें सिजल हो रहा है अच्छे से, इसमें बॉयल आ गया है, तो बस अब इसको थोड़ा सा हम थिक कर लेंगे, चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो 2 मिनट इसे अब हम पकाएंगे बॉयल आने के बाद। चलिए अब चूल्हे को करते हैं बंद और उसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर हो जाता है, फिर इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि एकदम चिल्ड हो जाए। देखिए हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई होगी और हमारी कटोरियाँ भी सेट हो गई होगी, तो चलिए लेकर आते हैं और फिर असेंबल करते हैं।
चले कटोरियाँ निकालते हैं, देखें कितनी अच्छी से सेट हो गई है। तो अब सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। और ये हमारी प्याली वाली, इसको थोड़ा सा यूं करना होगा। और ये देखें कितनी मस्त प्याली रेडी। चले अब इसे हम असेंबल कर देते हैं। तो ये हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी डालेंगे। और ये जो हमारी प्याली है इसको इसमें बनाएंगे। और अब गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के बहुत से तरीके हैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगता हो वैसे करें। सिर्फ पिस्ते डाल दें, सिर्फ बादाम डाल दें, मेरे पास देखिए टूटी फ्रूटी भी है, तो सब मिक्स एंड मैच कर लेंगे ताकि मोर प्रीटियर लगे। तो यहाँ देखिए स्लाइसेस है बादाम की, तो ये थोड़ी सी डाल देंगे। यहाँ पिस्ते हैं हमारे पास है, पिस्ते डाल देंगे। और अब टूटी फ्रूटी पहले बड़े को दे देते हैं। तो बस आपकी मर्जी, जैसे सजाना हो सजा ले, प्रेजेंटेबल बना दें इसको। और ये रेडी हो गई। तो देखा कैसे झटपट हमारी रबड़ी भरी सेवइयों की कटोरी बन गई। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। खतरनाक। आपको सर्व करते टाइम ही रबड़ी जो है डालनी है, अदरवाइज कटोरी सॉफ्ट हो जाएगी और लीक हो जाएगी। या फिर रबड़ी जो है वो काफ़ी गाढ़ी बनाएं और बाहर रख सकते हैं। और कटोरियों को आपको खूब दबा दबा के बनाना है। नीचे का बेस जो है वो मोटा होना चाहिए, साइड का फिर जो ऊपर आ जाए तो ये कैसे हल्का हल्का है, ये सही है, लेकिन बेस और आसपास बड़ी अच्छी सी सॉलिड सी कटोरी होनी चाहिए कि जब बंदा यूं उठाए और यूं खाए। सुपर माइंड ब्लोइंग बनता है, वेरी इजी, वेरी यूनिक। लेकिन कटोरियों का टेम्परेचर डाउन बहुत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी बना लें और थोड़ी मोटी मोटी बनाएं ताकि जब हम रबड़ी डालें तो वो होल्ड कर सके। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।